आज जन्मदिन है और इस खास अवसर पर उनके समर्थकों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, साथ ही जूली का स्वागत भी किया गया। इस दौरान बानसूर विधायक शकुंतला रावत, पूर्व मंत्री दुर्रू मियां समेत कई नेता भी जूली को बधाई देने के लिए पहुंचे। इस खास मौके पर फर्स्ट इंडिया ने टीकाराम जूली से खास बातचीत की। राज्य मंत्री टीकाराम जूली का आज जन्मदिन है और रक्तदान शिविर समेत कई कार्यक्रम अलवर में चल रहे हैं। हमारे साथ टीकाराम जूली हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो फर्स्ट इंडिया की ओर से जन्मदिन की। धन्यवाद पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार को, जो आप सब लोगों ने इस अवसर पर जो बधाई भी दी और कवरेज भी कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस दिन क्या नई चीज़ आप जोड़ रहे हो कि मैं इसके बाद ये चीज़ तो नहीं करूँगा और कोई इस जन्मदिन के बाद एक नया कोई प्लान कोई कर रहे हो? देखिए, कोई वैसे तो लगभग बुराइयाँ मेरे में है नहीं, कोई थी वो भी मैं छोड़ चुका, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखता है, तो और हर जन्मदिन पे कुछ ना कुछ मन में संकल्प भी करता है, तो मैंने भी कुछ संकल्प किए हैं और वो संकल्प ऐसे हैं जिनसे आम आदमी को फायदा मिलेगा और ख़ास तौर से मुझे बड़ी संतुष्टि मिलेगी, तो वो मैं हालांकि शेयर नहीं करना चाहूँगा, मेरे दिल की भावना। ऐसे कोई पारिवारिक चीज़ें भी, क्योंकि रात को 12 बजे आप सोशल मीडिया पर लाइव करके जन्मदिन मना रहे थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो परिवार भी आपसे चाहता है कि आज जन्मदिन के बाद आप में बदलाव देखें? परिवार तो सबसे पहले ये चाहता है कुछ ना कुछ समय हमें भी दिया जाए और जो जन्मदिन का ऐसा मौका था तो पूरा परिवार भी इस अवसर पर इकट्ठा हुआ और बच्चे भी सारे स्कूलों से कॉलेज से सब आए हैं और आके उन्होंने जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा एक आम जनता से भी कि एक तो मैं कोई मेरे परिवार की कोई बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार का है, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों और चाहे मेरे मित्र हों, सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान यहाँ तक पहुँचने में रहा है। मैं विधायक था जब कोई रक्तदान शिविर नहीं लगा, लेकिन जब मैं पूर्व विधायक था तब कार्यकर्ता उन्होंने इसकी शुरुआत की और मंत्री बनने के बाद में तो हो सकता है बहुत लोग ये चाहते हो रक्तदान हो, लेकिन मंत्री बनने से पहले, विधायक बनने से पहले भी मेरे साथियों का बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने मेरा जन्मदिन बहुत बड़े स्तर पर भी मनाया था और उसकी एक शुरुआत 3 साल पहले की थी और तब से लगातार रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। निश्चित तौर पर टीकाराम जूली मानते हैं कि जीवन में कोई बुराई तो उनकी नज़र नहीं आती है कि वो उसे छोड़ दें और आज से नई चीज़ धारण कर लें, लेकिन परिवार ये ज़रूर चाहता है कि कुछ वक्त उन्हें भी दिया जाए। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।